झारखंड की धरती कितनी रहस्यमय है, इस जाने कितने बाहर बाहर से वैज्ञानिक आए और कितना इस धरती पे शोध किया गया, लेकिन इसके रहस्य का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। ना कोई रामगढ़ के एक ऐसे जगह पे पहुंचे हैं जहां धरती में से मीथेन गैस निकलता है। जी हां, उसका नतीजा ये होता है यहां की धरती में 24 घंटे आग दलकते रहता है, लगते घन 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 जैसा आवाज आ रहा है और ना जाने कितना फीट ये गहरा होगा। इसमें एक पत्थर गिरा के देखते हैं ये कितना फीट गहरा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कितना भयावह दृश्य है और झारखंड में यह दृश्य हर जगह देखा जाता है। जब आप कुदरत से खिलवाड़ कीजिएगा तो कुदरत आपसे कुछ इसी तरह से खिलवाड़ करेगा। यह पूरा धरती खोखला है, यह कहां से धरती धस जाए, कहां से दब जाए, कुछ कहां नहीं जा सकता। बंद करने की कोशिश करेंगे ना यहां पे, अगर हम रख के इसको ढक दे तो कहीं और से धरती फाड़ के ये आग निकल जाएगा, ये मीथेन गैस निकल जाएगा। बहुत कोई किनारे गए सिगरेट स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, उसको पता नहीं, जैसे माचिस मारा पूरा, मतलब जैसे जैसे घर में जब गैस लीक होता है तो गलती से लोग माची चलाता है तो पूरा घर में आग पकड़ लेता है, तो वैसा गैस का लीकेज इस पूरे गांव में हो रहा, पूरे इलाके में, इस जगह पे दर्जनों जगह ऐसे हालत। झारखंड की धरती कितनी रहस्यमय है, इसका रहस्य जानते जानते लोगों का समय खत्म हो गया। ना जाने कितने बाहर बाहर से वैज्ञानिक आए और कितना इस धरती पे शोध किया गया, लेकिन इसके रहस्य का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। ना कोई वैज्ञानिक, ना कोई बड़ा रिसर्चर इस जमीन के रहस्य का पता लगा पाया। कुछ इसी तरह का रहस्य जानने के लिए आज हम लोग रामगढ़ पहुंचे हैं और रामगढ़ के एक ऐसे जगह पे पहुंचे हैं जहां धरती में से मीथेन गैस निकलता है। जी हां, वही मीथेन गैस, CH4 वाला मीथेन गैस जो आपने किताबों में पढ़ा होगा, वो यहां धरती से निकलता है और जिसका नतीजा ये होता है यहां की धरती में 2400 घंटे आग दलकते रहता है, लावा दलकते रहता है। ये देख सकते हैं आप लोग कि मीथेन गैस के प्रभाव से किस तरह से इस धरती में से आग फेंक रहा है। ये लपट आग का इतना तेज है कि यहाँ पे अगर 5 मिनट कोई खड़ा रहे तो उसका शरीर झुलस जाए और इसके घन 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 जैसा आवाज आ रहा है और ना जाने कितना फीट ये गहरा होगा। इसमें एक पत्थर गिरा के देखते हैं ये कितना फीट गहरा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और ना जाने ये कितने दिनों से इस जगह पे जल रहा है, जिसके वजह से ये देख सकते हैं आग की लपटें इतनी तेज है और ये पूरा जमीन इस आग के वजह से खोखला हो चुका। आपको हम करीब से दिखाते है कि ये कितना भयावह दृश्य है और झारखंड में ये दृश्य हर जगह देखा जाता है। जब आप कुदरत से खिलवाड़ कीजिएगा तो कुदरत आपसे कुछ इसी तरह से खिलवाड़ करेगा। देख सकते हैं कि इस आग की लपटे को, ये आग का लपट अपना क्रोध दिखा रहा है, कुदरत अपना क्रोध दिखा रहा है कि जब आप कुदरत से खिलवाड़ कीजिएगा तो वो आपसे ऐसा खिलवाड़ करेगा। ये पूरा धरती खोखला है, ये कहां से धरती धस जाए, कहां से दब जाए, कुछ कहां नहीं जा सकता। अगर इसको हम बंद करने की कोशिश करेंगे ना यहां पे, अगर हम रख के इसको ढक दे तो कहीं और से धरती फाड़ के ये आग निकल जाएगा, ये मीथेन गैस निकल जाएगा। गांव के तमाम लोग हैं यहां पे हमारे साथ, यहां के ग्रामीण हैं। इस आग के वजह से, इस मीथेन गैस के वजह से यहां का जनजीवन तबाह हो चुका है। इस गांव के, इस पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, आइएगा सर। इधर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ मदन महतो। आपके गांव में इस तरह का आग हर जगह निकलता है, कभी यहां से कभी वहां से, लगातार कितने वर्षों से यह निकल रहा है? पिछले 5-6 वर्षों से कई जगह, ऐसे जगह नहीं, कई ऐसे जगह में, गांव में भी ऐसा जगह CMPDI द्वारा या कोयला टेस्ट किया गया भारत सरकार द्वारा, यार इसके बाद से या गैस या CCL लीज होल्ड एरिया है ये, उसके चक्कर में सही जगह में सभी जगह ऐसे गैस निकल रहा है। जो यहाँ के लोग भय हुए स्थिति में जिंदगी जी रहे, कभी भी माचिस मार दे किसी का घर में भी ना लो, आग निकल, धुआं निकल रहा है, मीथेन गैस निकल रहा है, कहीं पे माचिस मार दीजिएगा तो आग का लपट फेंक देगा। गांव में कभी यहाँ से कभी अन्य जगहों से धरती में से मीथेन गैस हमेशा निकलते रहता है और गलती से वहां पे कोई भी लोग एक माचिस या एक आग का चिंगारी जला दे तो उस जगह पे ऐसा भयानक आग पकड़ लेता है जिसपे काबू पाना मुश्किल है। क्या हम सही कह रहे हैं सर? सही बात है। ऐसे कई जगह इलाकों में कोई बाहर से लोग आते हैं, आप इसी जगह आइएगा, बाहर से लोग आए सब सोचेंगे कि किनारा है, कोई माचिस या तंबाकू या सिगरेट पीने का कोशिश किया, कई लोगों को घटना घट जाती है, मतलब जिसको जानकारी नहीं, उस जगह से गैस निकलते रहेगा, लोग को जानकारी नहीं, वहाँ पे अगर गलती से माचिस जला दिए तो पूरा आग का लपट वहाँ, आग का लपट लग जाता है, कई लोग जल भी चुके हैं, ऐसी घटना हुई है, बाहर से लोग आए हैं। आजकल के लोग में फैशन के दौर में बहुत कोई किनारे गए सिगरेट स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, उसको पता नहीं, जैसे माचिस मारा पूरा, मतलब जैसे घर में जब गैस लीक होता है तो गलती से लोग माचिस जलाता है तो पूरा घर में आग पकड़ लेता है, तो वैसा गैस का लीकेज इस पूरे गांव में हो रहा, पूरे इलाके में, इस जगह पे दर्जनों जगह ऐसी हालत है। यहां पे हम आपको करीब से दिखाते हैं कि देख लीजिए कितना भयानक स्थिति से आग जल रहा है। इस सब जमीन अंदर से पूरा तो खोखला हो गया होगा,
अंदर से खोखला नहीं है वो, जमीन के अंदर में कोई सीएमपीडीआई या कोयला के लिए चेक किया सीसीएल, उसके बाद से गैस तो पूरा बना हुआ, आप देख ही रहे हैं कि इसका आग का जो धारा है कितने रफ्तार से है, कि कोई पावर आवाज भी निकल रहा है, आवाज भी बहुत भयानक आवाज करते हैं, वहां प्रेशर से पानी फेंक रहा है कई जगह, दर्जनों जगह। अभी और एक दो जगह आपको दिखाएंगे जो पूरा अंदर से आवाज पूरा दे रहा है। मान लीजिए इसको हम ढक दे कोई चीज से, बड़ा सामान लगा के इसको ढक देते हैं गैस को, तो कहीं और से फाड़ के निकल जाए। हाँ, फिर इसके जगह इसी इलाके में आसपास जहाँ इसके स्रोत होगा उस जगह फिर निकल जाती, फाड़ के गैस निकल जाएगा, वहाँ आग पकड़ लेगा, आग पकड़ ले रहा है। झारखंड की इस रहस्य को जानने के लिए ना जाने लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं, इस आग की चिंगारी से लोग मनुष्य ये सीख ले कि अगर आप कुदरत के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो कुदरत आपसे कुछ इस तरह से खिलवाड़ करेगा। और ये दृश्य यहीं पे का नहीं, झारखंड के अलग अलग हिस्सों का, अलग अलग गांवों का यही दृश्य है, जिसके वजह से यह जनजीवन तबाह हो चुका है। ये एक पानी का बड़ा सा टंकी है जिससे पूरे गांव को पानी का सप्लाई जाता है, सर इसी टंकी से जाता है। हाँ, यह करीब हम लोग का DMFT फंड से करीब 6.5 करोड़ से लागत से बना हुआ है, यहाँ से करीब 700 घरों का पानी मिलता है। और वैसे स्थिति में देख रहे उसके किनारे कभी भी अगर बिल्कुल सटा हुआ आग जल रही, कभी भी टूट के गिर जाए इतना पैसा सरकार का बेकार चले जाएगा और यहाँ का लोगों का जो पानी पीने का एक जरिया है वो समाप्त हो जाएगा। बाकी झारखंड की इस रहस्य को जानने का कोशिश लोगों का निरंतर जारी रहेगा, लेकिन इसको तब तक नहीं सुलझा दिया जाएगा जब तक लोग प्रकृति से खिलवाड़ करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये सब चीज़ नहीं सुधरने वाला है। बाकी झारखंड की इस रहस्यमय धरती के बारे में आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, इसकी राय एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।